अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। डैम में 2200 करोड़ का खर्चा किया,
और मुख्यमंत्री उस वक्त के रघुवर दास कोणार्क डैम का इफ्तिताह करते हैं और इफ्तिताह करने के चंद घंटों के बाद वो डैम में खराबी पैदा हो जाती है। रघुवर दास की सरकार ने बताया कि डैम इसलिए खराब हो गया क्योंकि चूहों ने उसमें सुराख कर दिए। 2200 करोड़ खर्चा किए गए झारखंड की जनता का पैसा, ना वो नरेंद्र मोदी की जेब का पैसा था ना रघुवर दास की जेब का पैसा था। 2200 करोड़ झारखंड की जनता का पैसा बीजेपी के चूहों ने खाकर पानी में बहा दिया। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं फकीर हूं, मैं ना खाता हूं ना खाने दूंगा। तो मैं झारखंड की जनता को और सारत की जनता को, आवाम को बताने आया हूं कि यकीनन मोदी ना खाते हैं ना खाने देते हैं, मगर वो अपने चूहों को खाने की इजाजत देते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बात भी बताने आया हूं, आपसे गुजारिश करने आया हूं कि हमारे मुल्क भारत की, वतन अजीज की, जमहूरियत की एक कल हकीकत यह है कि जब तक आपके पास आपके वोट से मुंतखब शुदा नुमाइंदे कामयाब नहीं होते, आपके मसाइल हल नहीं किए जाते। आज झारखंड में जो आदिवासियों का प्रदेश है, मैं हमारे आदिवासी भाइयों को बताना चाहूंगा, साथ में यहां पर आप रहते हैं, यहां पर 14% मुस्लिम अकलियत रहती है, बीजेपी की सरकार की तरफ से कौन सा विकास का काम किया गया? मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, जो लोग आपसे आकर ये कहते हैं कि मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अगर झारखंड से 3-4 MLA जीत जाएंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है, तेलंगाना रियासत से जो मैं हमारे आता हूं वहां पर मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 MLA मुंतखब हुए और कामयाब हुए अल्हम्दुलिल्लाह। आपको जानकर बड़ी हैरत और खुशी भी होगी कि जितनी बड़ी तादाद में झारखंड में मुस्लिम अकलियत रहती है उतनी ही तादाद में तेलंगाना में मुस्लिम अकलियत बसती है, और वहां पर मुस्लिम अकलियत का जो सालाना बजट है वो 1,000 करोड़ रुपये सालाना वहां मुस्लिम अकलियत के फलाह बहबूद के लिए खर्च की है। झारखंड में अकलियतों का जो बजट है वो सिर्फ 120 करोड़ रुपये है। आप खुद सोचिए कि तेलंगाना और झारखंड में ज्यादा फर्क नहीं है, हाँ ये हिंदुस्तान के दूसरे इलाके में है, वो किसी और जुनूबी हिंदुस्तान के इलाके में है। आखिर क्या वजह है? कभी आप अपने दिलों पर जोर डाल कर सोचो, ये रियासत तो तेलंगाना से ज्यादा, यहाँ पर अल्लाह ने यहाँ पर इस रियासत में कई नेमतों से इसको नवाजा। जमीन के अंदर कोयला भी है, मादानियत भी है, मिनरल्स हैं, पानी है, और उसके बावजूद भी यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मुस्लिम अकलियत को, यहाँ के हमारे दलित भाइयों को आखिर क्यों गरीब रखा गया? अगर 1,000 करोड़ तेलंगाना में मुस्लिम अकलियत को मिल सकते हैं तो झारखंड में 120 करोड़ रुपये सालाना क्यों दिए जाते हैं? इसलिए दिए जाते हैं कि यहां पर आपके वोट से मुंतखब शुदा आपके कोई नुमाइंदे नहीं है, जो विधानसभा में जाकर हुकूमत से लड़े और वहां पर अपने हुकूक को मनवाए। जितने आपके विधायक जीत कर जाते हैं वो इलेक्शन से पहले किसी और पार्टी में गुलाटी मारते हैं,
किसी और पार्टी में शामिल हो जाते हैं, इलेक्शन जीतने के बाद वो गूंगे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई एमएलए इंशाल्लाह इस बार जीत कर जाएगा तो मुझे पूरा यकीन है कि झारखंड का जो कोई करेगा मजलिस के एमएलए उसकी आंखों में आंखें डालकर इस बात का मुतालबा करेगा कि हमसे इंसाफ करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तेलंगाना में मैंने खुद वहां के चीफ मिनिस्टर से मिलकर मुसलमान अखिलियत के लिए और हमारे दलित भाइयों के लिए, आदिवासियों के लिए, हमने गवर्नमेंट के खर्चे पर स्कूल चलाते हैं। 120 स्कूल सिर्फ मुस्लिम अखिलियत के तेलंगाना में हमने खुलवाए, जिसमें 50,000 बच्चे और बच्चियां मुफ्त तालीम हासिल करती हैं, छठी जमात से 12वीं जमात तक। उसमें रहना फ्री, खाना फ्री, कपड़े फ्री और मियारी तालीम उनको फराहम की जाती है। ये काम भी हम झारखंड में कर सकते हैं, मगर ये काम कब होगा मेरे भाई? जब आप मुमताज तरह लोगों को अपना विधायक, अपने एमएलए बनाकर भेजाएंगे, जो आपके लिए लड़ेगा, जो हमारे मासूम बच्चों के तालीम का इंतजाम करेगा, जो दलितों की आबादियों में स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है, ये एक मुनज्जम साजिश के तहत स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है ताकि वो तालीम याफ्ता ना बन जाए। जब तक दलित, मुसलमान और आदिवासी तालीम हासिल नहीं करेंगे, जब हम तालीम याफ्ता हो जाएंगे तभी जाकर हम मजबूती से अपने हक को मनवा सकेंगे। और जो लोग इख्तदार की कुर्सियों पर बैठते हैं वो हरगिज नहीं चाहते कि ये कमजोर और मजलूम लोग जो मुसलमान और दलित आदिवासी हैं वो तालीम के जेवर से आरास्ता हो जाएं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये चाहती है कि इन कमजोर तबकात को इनका हक मिलना चाहिए। और मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अब के बार अपने वोट की अहमियत को जानिए, अपने वोट को सही इस्तेमाल करिए। आप कितनी बड़ी प्रदेश में आप रहते हैं, इतनी बड़ी तादाद में यहां पर अल्लाह ने जमीन के अंदर कोयले को रखा, बल्कि ये काला सोना है, कोयला आपका है, बिजली आपकी नहीं है। कोयला तो यहां से निकाला जाता है, आपको बिजली मिलती 24 घंटे में 4 घंटे या 5 घंटे। कोयला आपका है और बिजली बांग्लादेश को मिलती है। बताइए आप ये कब तक ना इंसाफी चलेगी?